विधायक ने पुलिस का सहयोग लेकर भाजपा उपाध्यक्ष के भवन के ताले खड़े होकर तोड़वाए। हम आपको बता दें कि शोरूम के किराए को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स ग्वालियर के डीलर समर्थ मोटर्स ने अपना एक शोरूम शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास पर भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष दिलीप मगदल के भवन में खोला हुआ था। इस भवन को किराए पर लेने से पहले किराएदार और मालिक के बीच एग्रीमेंट जनवरी 2025 तक का साइन हुआ था, लेकिन इस बीच उनका नया शोरूम बड़ोदी बन गया तो उन्होंने वर्तमान में बने उक्त शोरूम को खाली करना शुरू कर दिया। इधर भवन मालिक ने एग्रीमेंट के हिसाब से भुगतान और पिछले किराए की मांग को लेकर शोरूम में ताला डाल दिया था। इसके चलते टाटा मोटर्स ग्वालियर के डीलर समर्थ मोटर्स की एक कार सहित अन्य सामान शोरूम में बंद होकर रह गया था। इसी कड़ी में शनिवार की शाम समर्थ मोटर्स के कर्ता धर्ता मुकेश अग्रवाल, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी अपने साथ एकाएक पुलिस बल को लेकर शोरूम पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने सामने शोरूम के तालों को तोड़वा दिया। इसके बाद शोरूम के भीतर खड़ी कार सहित शोरूम का सामान बाहर निकलवाया। इस दौरान मौके पर गहमा गहमी का माहौल बन रहा था। जो लोग इस मार्ग से गुजरे अचंभे में पड़ गए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज भट्टा है। तो अनुज जी, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद चल रहा था? ये मैटर ये था कि हमारा जो नया शोरूम है वो बड़ोदी पर बन गया है, क्योंकि ये भी हमारा चल ही रहा था। हमारा एग्रीमेंट हम उनको रेंट दे ही रहे थे और हमारा एडवांस रेंट इनके पास जा रहा था। उसके बाद भी इन्होंने आके जबरदस्ती लड़कों से मारा पीटी, माता पाई और गाड़ी की चाबी लेना, बदतमीजी करना, इस तरह की घटनाएं इन्होंने करी और दो एक दिन तीन बार करी इन्होंने और लास्ट में इन्होंने ताला लगा दिया। इसने ये दिलीप मुद्गल जी के बड़े भाई, उसका दिलीप मुद्गल जी भी आए, उन्होंने भी गाली गलौज करी यहाँ पे आके। उसके बाद ये हुआ कि गालियाँ आप दे रहे हो लड़कों के, स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हो तो गलत है। कब की घटना है ये घटना आपकी? समथिंग 9 तारीख की घटना है। आपको शोरूम खाली नहीं करने दे रहे थे? ताला लगा दिया। ये कह रहे थे कि आप पहले हमारा पूरा पेमेंट दो। कोई पेमेंट भी था क्या? नहीं, एडवांस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर आज क्या मतलब, क्या पुलिस की मदद क्या करना पड़ा? पुलिस को बुला के ये करना पड़ा कि हमारी जो गाड़ी अंदर रखी हुई थी, जो उन्होंने ताला लगा दिया था, अपने अंडर में ले ली थी। क्या लूट का इरादा था क्या, हमें तो पता नहीं है, पर इस तरीके से शोरूम पे ताला लगाना गलत है। कितनी गाड़ियाँ थी और कौन सी गाड़ियाँ थी? गाड़ी अभी फिलहाल एक रखी थी शोरूम के अंदर। कौन सी गाड़ी थी? टियागो थी। टियागो? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गाड़ी आपको मिल गई है? नहीं, उनसे बात हुई ताला खोल दो, तो ताला खोलने के लिए एग्री नहीं देखी थी बेकार थी। फिर लास्ट में ये है कि इन्होंने गालियाँ थोड़ी बकी, ऊपर तक गालियाँ दी। तो जब इज्जत वाली बात आएगी, कोई चीज़ आएगी, तो आप प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, गुंडागर्दी तो चलेगी नहीं। फिर अब क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है, बस जो भी प्रोसेस आप देख रहे हो, पुलिस है, कायम ही हो चुकी है, जो होगा सबके सामने रहेगा। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, तो क्या धन्यवाद विधायक जी का होने वाला है कि पुलिस का? जी, धन्यवाद विधायक जी का है कि पुलिस का है? नहीं, पुलिस का भी है, विधायक साहब का भी है। विधायक जी आए थे साथ में? नहीं, विधायक जी तो निकल रहे थे यहाँ से, विधायक जी से मुलाकात हो गई है, सर्किट हाउस पे आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उनको बताया पूरा, क्योंकि वो भी बीजेपी के पदाधिकारी, उनको ये बताया कि ये देखिए आपके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।